यहाँ पे मैंने ईंट का चूल्हा बना दिया, ये देखो दो ईंट यहाँ पे रख दिया, दो वहाँ पे और दो वहाँ पे। ओके गाइस, तो यहाँ पे प्रॉपर आग लग चुका है, अब इस पे कढ़ाई रखते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे प्याज जो है वो गल चुका है, अभी डालते हैं इसमें चिकन। तो हेलो गाइज, मेरा नाम विशाल और आप लोगों का स्वागत करता हूँ आज के एक नए ब्लॉग में। तो गाइज, अभी मैं फिलहाल हूँ अपने गांव में। गाइज, आज हम लोग मनाने वाले हैं पिकनिक। देखो गाइज, हमारे घर में जो है सब वेजिटेरियन है, मतलब शाकाहारी है, और मैं और एक दो और हैं जो मतलब नॉन वेज खाते हैं हम लोग, मतलब मांसाहारी है हम लोग। तो आज जो है गाइज, घर में तो ये लोग लाने देंगे नहीं, घर में बनाने देंगे नहीं, तो आज हम लोग खलिहान पे जाके और मीट बनाएंगे और पार्टी मतलब पिकनिक स्टाइल में पूरा आज करेंगे। मैं हूँ और मेरी एक छोटी बहन है सुशीता। तो चलिए फटाफट से ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे धूप देखो गाइस कितना है, पूरा पसीने से भीग चुका हूँ। अभी चलते हैं वहाँ पे खलिहान की तरफ, मनाते हैं। चलिए नीचे फटाफट से जो जो सामान लेना है वो लेकर और चलते हैं वहाँ पे खलिहान पे। चलिए गाइस, यहाँ पे जो है हम लोगों ने सब सामान ले लिया है यहाँ पे, अभी चलते हैं डायरेक्ट खलिहान पे ही आप लोगों से मिलते हैं। गाइस, तो अभी हम लोग आ चुके हैं खलिहान पे। यहाँ पे मैं जा रहा हूँ ईंट का मतलब चूल्ही बनाने, और वहाँ पे सब बैठ के प्याज वगैरह सब कर रहे हैं। अभी जा चलता हूँ फटाफट से मैं चूल्ही बनाने। गाइस, यहाँ पे मैंने ईंट का चूल्हा बना दिया, ये देखो दो ईंट यहाँ पे रख दिया, दो वहाँ पे और दो वहाँ पे, ऐसे ही करके जुगाड़ करके बना दिया। गाइस, अगले बार से जो है मतलब गैस लेकर आएंगे, या फिर वो बना बनाया मिट्टी का चूल्ही होता है उसका यूज करेंगे अगली बार से। इस बार जो कोई प्लान नहीं था, डायरेक्ट आ गए। और अभी मैं जा रहा हूँ गाइस यहाँ पे थोड़ा प्याज काटने रहा हूँ थोड़ा फटाफट से करते हैं गाइस, क्योंकि टाइम भी बहुत लेट हो चुके हैं अभी। ओके गाइस, तो अभी मैंने प्याज काट लिया वहाँ पे, अभी चलते हैं मीट लाकर धोने, फटाफट से बनाते हैं गाइस। अभी गाइस मैं यहाँ पे मीट धो रहा हूँ, मैंने हाफ के जी लिया है क्योंकि हम दो ही लोग हैं, तो अभी इसको फटाफट से धोते हैं और फिर चलते हैं वहाँ पे। ओके गाइस, तो अभी मैंने वहाँ पे ट्राइपॉड पर फोन सेट कर दिया है। अभी मैं जा रहा हूँ आग लगाने, इसमें मतलब क्या बोलते हैं चूल्हा जलाने। अभी चलिए। ओके गाइस, तो यहाँ पे प्रॉपर आग लग चुका है, अब इस पे कढ़ाई रखते हैं। ओके गाइस, तो कढ़ाई जो है वो गर्म हो चुका है, अभी इसमें डालते हैं तेल। अभी डालते हैं गाइस इसमें तेज पत्ता, ये लाल मिर्च। अब इसमें डालते हैं गाइस प्याज, इसको अच्छे से गलने देंगे गाइस पहले, उसके बाद फिर चिकन डाला जाएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे प्याज जो है वो गल चुका है, अभी डालते हैं इसमें चिकन, इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। और जो है गाइस इसमें लहसुन डालने जा रहा हूँ मैं, हम पहले से इसे कूट के लाए थे घर से। उसको थोड़ा देर चला के उसके बाद ही नमक और हल्दी डालेंगे थोड़ी देर में, अभी इसे अच्छे से फ्राई होने देते हैं। अब जो है गाइस इसमें नमक और हल्दी डालने जा रहा हूँ मैं, ये नमक इसमें डाल दे रहा हूँ। ये नमक हो गया, अब इसमें हल्दी डाल दे रहा हूँ। अब इसको थोड़ा चला कर उसके बाद फिर ढक देंगे थोड़ा पकने के लिए। इसको अच्छे से चला देता हूँ पहले, उसके बाद फिर ढक दूंगा इसे थोड़ी देर के लिए।
अब इसको ढक देते हैं गाइस। अब इसको लगभग मतलब 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही ढके रहेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे ये सब अच्छे से पक चुका है। अभी इसमें सब मसाला डालेंगे हम लोग। पहले धनिया से शुरुआत करते हैं। ये रहा धनिया, पिसा हुआ धनिया। उसके बाद फिर ये मिर्च, लाल मिर्च कुटा हुआ। अब जो है गाइस इसे अच्छे से भूनेंगे। इसे अच्छे से खूब मतलब लगभग 10 या 15 मिनट इसे भूजेंगे पहले। इसमें गाइस थोड़ा सा मीट मसाला डाल देते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मसाला जो है अच्छे से पक चुका है। थोड़ा पास से दिखा दो। अब जो है इसमें थोड़ा सा पानी डाला जाएगा। पानी डालने के बाद फिर इसे भूनेंगे। अब इसको गाइस अच्छे से ढक देंगे इसे और थोड़ी देर पकने देंगे। उसके बाद फिर चलाएंगे। गाइस यहाँ पे हम लोगों ने ढक दिया है इसे। अभी थोड़ी देर इसे पकने देते हैं। उसके बाद फिर चलाया जाएगा, उसे अच्छे से भुना जाएगा। मसाला मतलब पूरा पक चुका है। अब इसे तो हल्का हल्का ग्रेवी रखेंगे। और गाइस ये सब मुझे नहीं करना पड़ता। अगर बिकी होता तो बिकी, उसका कुछ काम था इस वजह से वो आज नहीं आ पाया। नहीं तो वो रहता तो वही सब बना देता है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। चलो देखते हैं अच्छा बनता है या फिर। ये दूसरी बार मैं गाइस मीट बनाने जा रहा हूँ। ये मैं मतलब दूसरी बार मैं बना रहा हूँ ये। एक बार और मतलब जाकर विकी के रूम में ही बनाए थे हम लोगों ने, और ये जो है दूसरी बार मैं बना रहा हूँ। देखते हैं अच्छा बनता है या फिर। यहाँ पे मीट जो है वो अच्छे से पक चुका है, लेकिन अब मतलब ज़्यादा ग्रेवी है इसमें और दो लोग हैं तो ज़्यादा ग्रेवी तो हमें चाहिए नहीं। इस वजह से इसे थोड़ा और सुखाएंगे और सुखाने के बाद फिर उतार दिया जाएगा इसे। ओके गाइस, तो अभी मीट जो है बन के तैयार हो चुका है और मैंने अपने छोटे भाई को भेजा है कि जाके दुकान से भुजा लेकर आए, लाई तो वो लेकर आता है तो थोड़ा लाई से भी खा लेंगे। और चावल भी घर पे मैंने बोल दिया है कि थोड़ा चावल बना दो हम लोग के लिए, तो चावल बना दे रही है मम्मी। उसके बाद फिर चावल से भी खा लेंगे गाइस, क्योंकि ज़्यादा लाई से हम लोग खा नहीं पाते, चावल ही हम लोग को ज़्यादा बेटर लगता है तो चावल से खा लेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पर मेरा भाई लाई लेकर आ चुका है। ये देखो, इसे हमारे यहाँ लाई बोला जाता है, आपके यहाँ क्या बोला जाता है कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अभी चलते हैं गाइस, इसे थोड़ा खा लेते हैं, उसके बाद फिर चावल से खाएंगे। ओके गाइस, तो अभी हम लोगों ने जो है लाई से खा लिया है और चावल जो है बन के रेडी हो चुका है। अभी थोड़ी देर में चावल से भी खाएंगे। और गाइस मुझे लगा था कि मैं बना रहा हूँ तो स्वाद ऐसा नहीं बनेगा, लेकिन बहुत ही अच्छा बना था गाइस। थोड़ा सा मिर्च जो है वो ज़्यादा हो गया था, नहीं तो सब परफेक्ट बना है। अभी थोड़ा देर घूमते हैं फिरते हैं, उसके बाद फिर चावल से खाएँगे गाइस। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं चावल से खाने। इधर पर आप लोग देख सकते हो वहाँ पर मीट है, अभी चावल से भी खा लेते हैं और यहाँ से फिर चलेंगे कलैया। ओके गाइस, तो अभी हम लोगों ने मस्त खा पी लिया और अब जाएंगे हम लोग कलैया। और गाइस इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। आई होप कि आप सबको ब्लॉग अच्छा लगा हो।
अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बी सेफ एंड बाय बाय।